मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओके तो फ्रेंड कैसा लगा आज का स्टेटस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज का आपका भाई आ चुका है लेकर के महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी अपने प्रीव्यू में देख चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों अलाइट मोशन है दोस्तों। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके बहुत ही आसान से डाउनलोड कर लिया दोस्तों। मैं अलाइट मोशन को पिन करके रखा हूँ, तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसमें जो भी मटेरियल यूज होगा दोस्तों, जैसे कि सोमित मार प्रोजेक्ट, सेकबर प्रोजेक्ट, एनएक्समेल फाइल दोस्तों, इन तीनों का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंपोर्ट करिए दोस्तों अलाइट मोशन पे, एंड दोस्तों अपना अलाइट मोशन को पिन करना, अलाइट मोशन को पिन करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तब वो करेगा दोस्तों वीडियो एडिटिंग करने से पहले दोस्तों आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जहाँ पे प्लस वाले के बगल में आपको जो प्रोजेक्ट वाला दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों महाशिवरात्रि स्पेशल सोमित मार्क एंड सेकबर्ट, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों अपने सोमित मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें जो भी फोटो यूज होगा दोस्तों सारा कुछ हमारा सारा फोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके बहुत ही आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों इसमें कैसे फोटो कैड करना है दोस्तों, आपको कैसे सेकबर्ट को यूज करना है दोस्तों, तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक मैंने स्किप करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसे फोटो का टच करना है, तो दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है दोस्तों, एंड दोस्तों आप जहाँ भी फोटो रखे रहेंगे उसका आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं कोई भी फोटो सेलेक्ट करके दोस्तों कोई भी फोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे आपको थ्री डॉट पे जाना है, फिल कमर्शियल पे क्लिक करके तेरे पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना हो। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो ग्रुप दिखाएं इस पर जो फोटो नहीं अटैच करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे मिल जाए तो डबल भी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी फोटो इमेजेस को एडिट करके थ्री डॉट पर जाकर फिल कमर्शियल पे क्लिक करके तेरे पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना होगा। कट करने के बाद दोस्तों आपको जो सारे बिट दिख रहे हैं दोस्तों, इन सारे बिट के हिसाब से यहाँ से लास्ट तक जो है फोटो अटैच कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं पहले फोटो को अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे दोस्तों इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो मैं फोटो को अटैच कर लेता हूँ दोस्तों, लेट्स गो। ओके तो दोस्तों अब दोस्तों मैं सारे बिट के हिसाब से भी फोटो को अटैच कर चुका हूँ। अटैच करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सोमित मार्क प्रोजेक्ट से दोस्तों बाइक आ जाना होगा। बाइक आने के बाद अपने सेकबिट को पेन कर लेना होगा। सेकबिट को पेन करने के बाद आपको जो पहला फोटो दिख रहा है दोस्तों इफेक्ट, इस पहले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाकर इसको कॉपी इफेक्ट करके दोस्तों यहाँ से आपको बाइक आ जाना होगा। बाइक आने के बाद अपने सोमित मार्क प्रोजेक्ट को पेन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ तरह से स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, आपको जो पहला फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको पेस्ट करना होगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद कुछ तरह से बैक आ जाना होगा, एंड अपने फिर से सेकंड को पेन करके दूसरे वाले फोटो पे क्लिक करना है दोस्तों, इफेक्ट पे जाना, थ्री डॉट पे जाके इसको भी कुछ तरह से कॉपी इफेक्ट करके बैक आ जाना होगा, एंड दोस्तों अपने सबमिट मार्क प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आ जाना होगा, ठीक है, 7 सेकंड 7 पे, ठीक है, डबल बिट पे आ जाना होगा। एंड दोस्तों आपको जो फोटो अटैच किया है इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट करना, ठीक है। एंड आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट जाके पेस्ट करके कुछ तरह से पेस्ट करते हुए दोस्तों यहाँ तक आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। 12 सेकंड 21 तक जो आपको पेस्ट करना होगा इफेक्ट को, ठीक है दोस्तों। दूसरे इफेक्ट को पेस्ट हो जाने के बाद आपको बाइक आ जाना होगा, अपने फिर से सेकंड को पेन करके दोस्तों कुछ तरह से आपको तीसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाके इसको भी कॉपी इफेक्ट करके दोस्तों कुछ तरह से बाइक आ जाना होगा, एंड अपने सोमित मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना। ओपन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे जाना हो, ठीक है। 13 सेकंड 14 पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना दोस्तों, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट करना होगा दोस्तों। पेस्ट करने के बाद दोस्तों कुछ तरह से हमें क्या करना है दोस्तों, बैक आ जाना होगा, फिर से आना पड़े, फिर से एक फोटो को पेन करके दोस्तों चौथे फोटो पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों, एंड इफेक्ट पे जाना, थ्री डॉट पे जाके कुछ तरह से इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। एंड आपको बैक आ जाना होगा, अपने सबमिट मार्क प्रोजेक्ट को पेन कर लेना होगा। पेन करने के बाद दोस्तों
कुछ इस तरह से आपको फिर से स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 15 सेकेंड एक पे जाना होगा, आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाकर आपको पेस्ट करके फिर से दूसरे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाकर पेस्ट करके, पेस्ट करते हुए आपको यहाँ तक पेस्ट करना होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से 22 सेकेंड 13 तक आपको फिर इस फोटो को दोस्तों पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको फिर से बाइक आ जाना होगा, ठीक है। बाइक आने के बाद अपने फिर से चेक बटन को ओपन करके दोस्तों यहाँ से कुछ तरह से आपको यहाँ पर 5 वाले फोटो पे क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाकर 3 डॉट पे जाकर कॉपी फिट करके इसमें भी आपको बाइक आके सोमबिट में अपोजिट को फिर से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ तरह से स्क्रॉल करके आगे जाना होगा दोस्तों, तो मैं आ जाता हूँ कुछ तरह से स्क्रॉल करके यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 22 सेकेंड 25 पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट जाके आपको पेस्ट करना है, दूसरे फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट जाके पेस्ट करके दोस्तों यहाँ पे जो सारे छोटा छोटा फोटो दिख रहे हैं सारे फोटो पे पेस्ट करना होगा इफेक्ट को, ठीक है। पेस्ट हो जाने के बाद आपको फिर से बाइक आके चेक बोर्ड को ओपन करके 6 वाले फोटो पे क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाके इसको भी कॉपी पेस्ट करके बाइक आ जाना होगा एंड अपने सबमिट में अपोजिट को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको फिर से आगे जाना होगा दोस्तों, तो आपको आना कहाँ पे दोस्तों कुछ तरह से स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 24 सेकेंड 11 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना, 3 डॉट पे जाके इसको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से बाइक आ जाना होगा एंड अपने फिर से चेक बोर्ड को ओपन करके लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना, 3 डॉट पे जाके दोस्तों इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेना होगा ना, आपको बाइक आ जाना होगा ना, अपने सबमिट में अपोजिट को दोस्तों ओपन कर लेना होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको आ जाना होगा आगे, ठीक है। तो कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आ जाना होगा दोस्तों, 25 सेकेंड 28 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करना है, फिर जाकर आपको पेस्ट करना है दोस्तों, आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके फिर जाकर पेस्ट करके, तीसरे फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करके लास्ट तक दोस्तों इन सारे फोटो पे इफेक्ट को जो है पेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। पेस्ट हो जाने के बाद दोस्तों कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आ जाना होगा दोस्तों स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको कैसे इमेजेस को एडिट करना है तो दोस्तों सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आपको वीडियो को फुल वॉच किया करिए, ठीक है। इसमें कैसे इमेज उसको एडिट करना है तो दोस्तों आपको सिंपल से बाइक आ जाना होगा, ठीक है दोस्तों। कुछ तरह से मेरा 2 यहाँ पे लग चुका है दोस्तों, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको डिलीट कर लेता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद दोस्तों इसमें आपको जो दोनों जो इमेज दिखा है दोस्तों ब्लू ब्लू कलर का, ठीक है। इसमें वो कैसे इमेज उसको एडिट करना है तो दोस्तों आपको बाइक आ जाना होगा। बाइक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है ना दोस्तों, आपका 9-16 का रेजोल्यूशन जो दिखा है उस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा ना, आपको प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है और दोस्तों जो कोई भी फोटो इमेजेस जो भी लेना चाहते हैं दोस्तों उसको आपको सिलेक्ट करके दोस्तों 3 डॉट पे जाना है, फिल कमीशन पे क्लिक करके दोस्तों आपको सेटिंग के बगल में यहाँ पर जो बॉक्स दिखा है उस पर क्लिक करके यहाँ से आपको मिल जाएगा करंट फ्रेमस PNG, इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देने के बाद इस फोटो को सेव कर लेना होगा, ठीक है। सेव करने के बाद क्लोज करना है, आपको फिर इस फोटो को डिलीट करना होगा यहाँ से, ठीक है। फिर से प्लस जाना है, मीडिया पे जाना है, दूसरा मैच को सिलेक्ट करके 3 डॉट पे जाके इसको भी उस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं नहीं एक्सपोर्ट करता हूँ दोस्तों, आप से कम दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 8 से 9 फोटो को कर लीजिएगा 9-16 का, ठीक है। कर लेने के बाद अपने सबमिट में अपोजिट को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पे आ जाना होगा कुछ तरह से 1 सेकेंड पे, ठीक है। आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, आपके जो पहला इमेज दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे इमेज पे जाना है, कलर पे जाना है, स्टोर आइकन पे आके इसमें आपको यहाँ नाम पे क्लिक करके अलर्ट मोशन का कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे जो 9-16 का इमेज को बनाए दोस्तों उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल करके देख लेना दोस्तों, इसको इनेबल करके आपका जो है सेट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों मेरा सेट हो चुका है दोस्तों, अगर आपका भी फोन लो एंड डिवाइस है दोस्तों तो इसको डिसेबल करके यूज करना, ठीक है, क्योंकि आपका भी फोन लैग हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना दोस्तों, फिर आपको दूसरे इमेज पर क्लिक करना है, कलर फिर इंस्टॉल कैन पे आकर दोस्तों यहाँ पे भी आपको दोस्तों 9-16 का ही इमेज को एड कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं कोई भी इमेजेस को एड कर लेता हूँ 9-16 रेसिडेंट का, ठीक है। एड करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके उस पर आपको करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों इमेज पे क्लिक करना, 3 के बगल में इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कॉपी लेयर करके कुछ तरह नेक्स्ट बिट पे आके इसमें पेस्ट लेयर करना हो, फिर से आपको नेक्स्ट बिट पे आके पेस्ट लेयर करके दोस्तों कुछ तरह से आपको पेस्ट करते हुए आ जाना हो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे आपका डबल बिट है, ठीक है। 6 सेकेंड 13 तक जब आने के बाद दोस्तों कुछ तरह से आपको जो इमेज पे क्लिक करना है, कलर खींचना, स्टॉल आइकन पे आकर दोस्तों इसमें भी आपको 9-16 का इमेजेस को एड कर लेना होगा, ठीक है ना। आपको जो सारे में यहाँ पे इमेज है दोस्तों, इन सारे इमेज पे आपको जो 9-16 का इमेजेस को एड कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं एड कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट में आप जो सारे इमेजेस पे एड कर लीजिएगा, एड करने के बाद दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको जो है वो ब्लैक स्क्रीन वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको लेना है दोस्तों, तो प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो नाम दिखा है इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा, ठीक है। तो मैं बनाऊँ तो लाइट मोशन पे आ जाता हूँ, ठीक है।
आज सुबह अलर्ट मोशन तो नहीं मैं डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको डाउनलोड में जाकर मैं दोस्तों उसको ले लेता हूँ। लेने के बाद दोस्तों ये वाला जो है हमारा जो है ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना होगा दोस्तों, आपको ये जो ब्लू वाला दिख रहा है दोस्तों, आप लाइनिंग आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो क्लिप पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर जाना, फिर कम से क्लिक करके फुल स्क्रीन करके आपको यहाँ पर म्यूजिक जो है उसको ऑफ कर लेना होगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर डबल बीट पर आने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ तरह से कट करके दोस्तों इसको साइड से क्लिक करना, इस तरह से आपको इस तरह से नीचे लाना, ठीक है। कुछ तरह से इसको सबसे नीचे ला देना होगा, ठीक है। तो आपको लाना कहाँ पे दोस्तों, मैं नीचे पहले ला देता हूँ, कुछ तरह से आपको भी ला देना होगा, ठीक है। तो मैं नीचे ला देता हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड इसके आपको नीचे यहाँ पे ला देना होगा, ठीक है। इसको ला देने के बाद दोस्तों इसमें क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, वीडियो क्लिप जो आपको ब्लैक स्क्रीन एड किया इसको ले, इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी, इस पर क्लिक करके लाइटन पे आ जाना होगा। एंड आपको इसको स्क्रीन कर लेना होगा, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इसको आपको इनेबल करके देख लेना होगा, प्रॉपर आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों एक्सपोर्ट करना है, तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ से आपको सेटिंग बॉल में बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा ना दोस्तों, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है।